चुनौती देते हैं कि अभिजीत सिंह सांगा के रहते हुए किसी माई का लाल की यह हैसियत नहीं है कि इस स्थान को कबला बन जाने दे। इन जनाब से मिलिए, ये कोई लोकल गुंडे नहीं, ये माननीय है, सदन में बैठते हैं और लोगों के प्रति भेदभाव न करने की शपथ लेते हैं। नाम है अभिजीत सिंह सांगा, कानपुर से भाजपा के विधायक हैं। कहते हैं किसी की माई के लाल में हिम्मत नहीं कि ताजिया निकाल दे। और अगर जबरदस्ती यहाँ पर कोई भी ताजिया या इस तरह का कार्यक्रम जबरदस्ती कोई रखने का काम करेगा तो सबसे पहले अभिजीत सिंह सांगा यहाँ पर तखत डालेगा। यहाँ पर हम बैठेंगे और ये साथियों हम चुनौती देते हैं कि अभिजीत सिंह सांगा के रहते हुए किसी माई का लाल की ये हैसियत नहीं है कि इस स्थान को कबला बन जाने दे। विधायक जी ये भी बता रहे हैं कि लोगों को क्या करना है आने वाली लड़ाई के लिए, लोगों को एकजुट होने के लिए कह रहे हैं। कोई पूछे विधायक जी कौन सी लड़ाई लड़नी है, किस बात की तैयारी करनी है या फिर लड़ाई के नाम पे सिर्फ राजनीति की रोटी सेकनी है, कहीं ये चुनावी संकेत तो नहीं है। विधायक जी यहीं रुक जाते तो भी ठीक था। उन्होंने ये भी कह डाला कि योगी की सरकार है, किसी में हिम्मत नहीं किसे करबला बना दे। आप लोग एकजुट रहिए, एकजुट होकर के हमारे हिंदू भाई एकजुट होकर के एकत्रित होकर के आने वाली लड़ाई के लिए मुस्तैद रहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि साथियों आज देश में मोदी की सरकार है और प्रदेश में योगी की सरकार है और योगी की सरकार में ऐसे अराजक तत्व कि ये हैसियत नहीं पड़ेगी कि यहाँ की धरती पर आकर के कबला बनाने का काम करें या कोई ताजिया दफनाने का काम करें, ये उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। आज ये मैं चुनौती देने का काम उन लोगों को करता हूँ। विधायक जी हिंदुत्व की बात करते हैं, कहते हैं जब बात हिंदुत्व की होगी, जब बात भगवे झंडे की होगी तब वे खड़े रहेंगे। कोई इन्हें बता दे कि देश का झंडा तिरंगा है। यही नहीं, विधायक जी ने कुछ दफनाने की भी बात कही है, सुनिए। इस कार्यक्रम को हमेशा के लिए रोकने का काम साथियों यहाँ पर कर दिया जाएगा। इस साथियों यहाँ पर ताजिया तो दफन नहीं होंगे लेकिन यहाँ पर उनके इरादे दफन कर देंगे। आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप सबने जो आज हमारा हौसला बढ़ाया है, आपको ये वचन देते हुए कि जहाँ हिंदुत्व की बात होगी, जहाँ सनातन धर्म की बात होगी, जहाँ भगवान झंडे की बात होगी, वहाँ पर हम आपका भाई अभिजीत सिंह सांगा आपके साथ हमेशा खड़ा रहने का काम करेगा। ध्यान रहे चुनाव आने वाले हैं तो बयान आते रहेंगे। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।